शुभोदय। नारायण हिंदी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आठवीं कक्षा का प्रश्न पत्र उसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए कक्षा आठवीं कक्षा विषय हिंदी, यहाँ पर परीक्षा एक, पाठ का नाम हम होंगे कामयाब। पाठ का नाम क्या है? हम होंगे कामयाब। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर चार प्रश्न दिए गए हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। हर एक लिए एक अंक है, कुल चार अंक है। पहला प्रश्न, राम जंगल जाता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांक शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर ए बी सी डी जो ऑप्शन है इसमें सही उत्तर चुनकर कोष्ठक में लिखना है। राम जंगल जाता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द, ये ऑप्शन संज्ञा, बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन क्रिया, डी ऑप्शन विशेषण। ये राम क्या है? संज्ञा शब्द। सही उत्तर है ये। दूसरा प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन विश्वास, बी ऑप्शन विश्वास, सी ऑप्शन विशावास, डी ऑप्शन विश्वास। सही उत्तर है विश्वास, बी सही है। तीसरा प्रश्न, मैं पाठशाला जाता हूं, वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? देखिए संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहां पर देखिए सर्वनाम शब्द, ये ऑप्शन पाठशाला, बी ऑप्शन जाता, सी ऑप्शन हूं, डी ऑप्शन मैं। मैं सही है। चौथा प्रश्न देखिए, आम मीठा फल है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? संज्ञा सर्वनाम के विशेषता जो भी बताने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण है। यहां पर संज्ञा है आम, मीठा फल है, फल कैसा है? मीठा है, वही विशेषण है। देखिए ये आम, बी फल, सी मीठा, डी है। सही उत्तर है सी, सही है। दूसरा रोहन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए तीन अंक हैं, कुल छह अंक हैं। एक दिन चारों ओर क्या होगी? देखिए एक दिन चारों ओर क्या होती है? गीत में शांति होगी, शांति होगी। एक दिन चारों ओर शांति होगी। दूसरा प्रश्न, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? देखिए किसी काम की सफलता का आधार विश्वास और साहस ही है। इसलिए कोई भी काम विश्वास के साथ करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए। अब देखिए किसी काम की सफलता का आधार विश्वास और साहस ही है, इसलिए कोई भी काम विश्वास के साथ करना चाहिए। इस प्रकार हम प्रश्नों को लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।